इंकलाब इंकलाब जीत गया भाई जीत गया जीत गया भाई जीत गया। केजरीवाल तेरी सोच ते, भगवंत मान तेरी सोच ते। आज परमात्मा ने गुरु महाराज ने अपना मेहर वाला हाथ अपने बच्चों पे आम आदमी पार्टी पे रखा है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी है। हमने तो पंजाबियों को कहा था झाड़ू चला दो, पंजाबियों ने वैक्यूम क्लीनर ही चला दिया। आज पंजाब ने यह साबित कर दिया कि उन्हें केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी की जोड़ी पसंद है और किसी पार्टी की कोई जोड़ी नहीं पसंद। इस जीत के असली हकदार पंजाब के लोग हैं, पंजाब के वो लोग जिन्होंने रिवायती पार्टियों को छोड़कर, रिवायती सियासतदानों को छोड़कर एक साफ सुथरी ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को चुना। आज आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब में ही नहीं, आज पूरे देश में एक नेशनल फोर्स बन के उभरी है, एक राष्ट्रीय ताकत बन के उभरी है। और आज पंजाब के लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे मोहर लगाकर भगवंत मान साहब और केजरीवाल साहब को गले लगा लिया है। मैं पंजाब के लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। बीते कुछ महीने इन सारी दूसरी पार्टियों ने हम सब पर खूब आरोप लगाए, कीचड़ उछालने की कोशिश करी, केजरीवाल साहब को आतंकवादी तक कह डाला, लेकिन आज पंजाब के लोगों ने अपनी वोट की ताकत से यह साबित किया कि अरविंद केजरीवाल जी आतंकवादी नहीं, अरविंद केजरीवाल जी शिक्षावादी, अरविंद केजरीवाल जी विकासवादी। और आज जिन लोगों ने नेगेटिव कैंपेन चलाकर हम पे कीचड़ उछाला, काले अंग्रेज से लेकर गोरे अंग्रेज तक कहा, भगवंत मान साहब को नाना प्रकार की चीजें कही, वो सारी नेगेटिव ताकतें हारी हैं। आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल साहब भगवंत मान साहब का पॉजिटिव एजेंडा आज जीता है। आज ये साफ नजर आता है कि जब देश का आम आदमी खड़ा होता है, जब आम घरों के लोग सियासी मैदान में आकर ठान लेते हैं, ईमानदारी से नेक नियति से किसी चीज को सोच लेते हैं, तो फिर बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के सिंहासन डोल जाते हैं। मेरा यह मानना है, मेरा यह विश्वास है कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उसकी ओर हिंदुस्तान का एक एक शख्स बड़ी उम्मीद से देख रहा है। केरल से लेकर कश्मीर तक, असम से लेकर गुजरात तक, हर जगह आम आदमी पार्टी के केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जो आज एक नेशनल पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरी है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति राष्ट्रीय स्तर पर बन के उभरी है, ये पार्टी आने वाले समय में कांग्रेस की नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनकर अपना काम करेगी। जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के कंधों पर, भगवंत मान साहब के कंधों पर बहुत बड़ी है और मेरा विश्वास है कि मान साहब की लीडरशिप में पंजाब आज के बाद उड़ता पंजाब के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि उठता पंजाब, खुशहाल पंजाब, रंगला पंजाब के नाम से जाना जाएगा।
बहुत इंतजार किया पंजाब के युवाओं ने अपनी नौकरियों के लिए, पंजाब की बहनों ने, माओ ने सम्मान के लिए बहुत इंतजार किया, बड़े बुजुर्गों ने सहायता के लिए। अब भगवंत मान साहब उनके बेटे बन के, भाई बन के, कंधे से कंधा मिला के पंजाब के एक एक शख्स के साथ खड़े होंगे और पंजाब को फिर से खुशहाल और रंगला बनाने का काम करेंगे, ये हम सबका विश्वास है। आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया। मैं पंजाब के लोगों का आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी मान साहब की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इतना विश्वास, इतना मान सम्मान हमें दिया। और 50 साल के शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के राज को उखाड़ कर फेंका, साफ सुथरी नई राजनीति, ईमानदार राजनीति को जगा दी। इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा अगर किसी को जाता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने, कार्यकर्ताओं ने ना दिन देखा ना रात देखी, ना धूप देखी ना छांव देखी, ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, और लोगों के लिए ना उम्र देखी और लोगों के लिए काम करते रहे, पार्टी को मजबूत करते रहे। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि 2017 में हम इलेक्शन हार गए थे, हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि हम जीतेंगे, हम नहीं जीत पाए, लेकिन 2022 में जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया है ये वास्तव में एक चमत्कार है, जो परमात्मा की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से हुआ है। अंग्रेजी में कहा जाता है, विक्ट्री इज स्वीटेस्ट व्हेन यू हैव सीन डिफीट। जीत का मजा और स्वाद हो जाता है जब आप पहले कभी हारे हो। तो हम एक हार से उभरकर आज 2022 में अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी की जोड़ी पंजाब ने जीती है, उन्होंने मोर्चा फतेह किया है। मैं केजरीवाल साहब को, भगवंत मान साहब को बहुत बहुत, सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत उनको सलाम करता हूं। बस एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सबके लिए काम करेगी, जिन्होंने हमें वोट दिया उनके लिए भी करेगी, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए भी काम करेगी। हम एक अच्छी प्रोग्रेसिव सरकार चलाएं, भगवंत मान साहब की लीडरशिप में पंजाब और तरक्कियां करे, खुशहाल बने, रंगला बने, ऐसी हम सब कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहां आए। एक कलाब, भारत माता की, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, भगवंत मान तेरी सोच ते, केजरीवाल साहब तेरी सोच ते, झाड़ू वालियां दी पल्ले पल्ले, झाड़ू वालियां दी पल्ले पल्ले। हम सब आम लोग हैं, आम घरों के बच्चे हैं, साधारण से लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, तो हम तो लल्लू हैं, हम सब ने कवलियां करी और परमात्मा रब जो है उसने सिद्धियां कर दी, तो लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, ये हम सब पे लागू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद राघव जी, सारी पार्टी वालों, सारे पंजाबियों का धन्यवाद। कोई 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 सवाल मीडिया ने करना कर सकते हैं? हाँ जी बोलो। आज आगे नीचे यार, आज तो छोड़ दे सवाल, सारे सवाल के जवाब पंजाब की आवाम ने दे देते, लोगों ने सारे सवालों का जवाब खुद ही दे दिता पंजाब की जनता ने, इसलिए बहुत बहुत सारे का धन्यवाद, इस जित दिया सारे बधाइया।
मूह मिठा सारे का करावे करा। बहुत धन्यवाद।